द्वितीय पर्याय टीकाकरण आरंभ होछि प्रस्तुति। प्रथम पर्याय भुवनेश्वर 9000 आगधाड़ी कर्मी को टीका दिया जाइथिबा बेले द्वितीय पर्याय प्राय 70000 लोक टीका देबा को लक्ष्य रखिछि बीएमसी। सेबडे सोमवार शेष होइछि प्रथम पर्याय टीकादान। जनवरी 27 रु भुवनेश्वर रे आरंभ हेबो द्वितीय पर्याय टीकाकरण। सोमवार प्रथम पर्याय टीकाकरण शेष होइथिबा बेले गोटे दिन विरती पर 27 किंवा 28 तारीख रु द्वितीय पर्याय टीकाकरण आरंभ हो। टीकाकरण 26000 ना पंजीकृत होता बेले प्रथम पर्याय हो 9000 टीकादान। द्वितीय पर्याय बाकी 70000 स्वास्थ्यकर्मी को टीकाकरण लक्ष्य रही एने पर्याप्त टीका अच्छी बीएमसी कमिशनर प्रेमचंद्र चौधरी। आम पूरा एबे फर्स्ट फेज तो आम पाई हेल्थ वर्कर पाई से जो बैलेंस हेल्थ वर्कर अच्छा ही प्लान करा जीवो। आमार टोटल रजिस्ट्रेशन पाखापाखि 26000 थिला से भितर आम 9000 तो एबे सारी छु बाकी ये जो 26 बैलेंस जो 16-17000 लोक अच्छा तांकर पाई ही आम पूरा प्लान करुछु। तापर अदर कैटेगरी जिते बड़े गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आसो तापर आम आरंभ कर। सोमवार सरी प्रथम पर्याय टीकाकरण। प्रथम पर्याय 9000 टीकाकरण लक्ष्य रखिता बीएमसी। शनिवार सुधा 8500 जन को टीका दिया जाइथिला। सोमवार बाकी 500 जन को टीकाकरण लक्ष्य धार्य होइछि। कैपिटल हॉस्पिटल एम्स सम एवं कर क्लिनिक प्रमुख 4 स्थान रे टीकाकरण होउछि। सेपटे एम्स रे टीकाकरण 4600 जन को ना रजिस्ट्रेशन होइतिबा बेले वर्तमान सुधा 900 जन को टीका दिया जाइछि। टोटल एम्स रो 4600 सेटा आउट के बढी पारे बट जो कोविन पोर्टल रे 4600 जन को ए 4006 जनकर कोविन पोर्टाल नाँटा रजिस्ट्रेशन होता भितर 700 चली जाइए आउ 500 भी जीव सो जितेबाला आसो आम से अनुसार दे चलीचु चली। आम वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता 16th रु आम फेज व्वज कलु एंड आम दे सारूँ अलमोस्ट 700 प्लस लोकंर वैक्सीनेशन सरीगला। आज मॉर्निंग रु भी 9 o'clock स्टार्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस। फेब्रुआरी 10 सुधा राज्यर समस्त 350000 स्वास्थ्यकर्मी प्रथम डोज टीका देवा को लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। जनवरी 16 तारीख में प्रथम डोज नहीं स्वास्थ्यकर्मी द्वितीय डोज टीका कार्यक्रम फेब्रुआरी 14 रु आरंभ हो। भुवनेश्वर कैमेरामैन गौरप्रसाद राजगुरु सह शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया।